नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल को घेरते नजर आ रहे हैं। बघेल इन दिनों बस्तर दौरे पर हैं। बघेल एवं सिंहदेव के दौरे पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा है कि एक की यात्रा का मुंह उत्तर दिशा में है तो दूसरी की दक्षिण दिशा में। सिंहदेव की यात्रा में कलेक्टर और एसपी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर में दौरे कर रही सरकार की सोच भी हवाई हो गई है। बच्चों को 10 मिनट हेलीकॉप्टर में बिठाने से उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आज जिस बात की चर्चा मुझे करना है, एक यात्रा निकल रही है छत्तीसगढ़ में और उस यात्रा का स्वरूप अजीब है। एक यात्रा का मुंह उत्तर दिशा में है और दूसरी यात्रा का मुंह दक्षिण दिशा में। ये सरकार उत्तर और दक्षिण दिशा में अलग अलग यात्राएं निकाल रही हैं। एक यात्रा में हेलीकॉप्टर का कारवां है और एक हेलीकॉप्टर में सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। एक यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री के, उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर एसपी कलेक्टर तक की उपस्थिति है। दूसरी दक्षिण में जो यात्रा शुरू हुई है, उस दक्षिण की यात्रा में, सीधेव की यात्रा में कलेक्टर एसपी को प्रतिबंधित किया गया है। ये अजीब स्थिति है। इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि भूपेश और रमन के दौरे में काफी फर्क है। रमन जहां ब्लैक कैट कमांडो से घिरे रहते थे, भूपेश जनता से घिरे रहते हैं। रमन सिंह की यात्रा विकास के नाम पर अपने वैभव का प्रदर्शन करना, किसान, युवा, महिलाओं और स्कूली बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना रहा है, जबकि भूपेश बघेल की यात्रा का उद्देश्य प्रदेश की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निदान करना रहा है। रमन सिंह हमेशा ब्लैक कैट कमांडोज के घेरे में रहते थे, परिंदा भी उन तक नहीं पहुंच सकता था, पर बघेल से बच्चे, बुजुर्ग, आम आदमी, कार्यकर्ता सभी मिल सकते हैं। कवासी लखमा ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि मई की भीषण गर्मी में बघेल जन जन तक पहुंच रहे हैं, इसकी प्रशंसा करने की बजाय बीजेपी उन पर बयानबाजी कर रही है, जो निंदनीय है।